मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस ने दो ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो नशे के सौदागर हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों आरोपी एमडी नामक नशीला पदार्थ मुंब्रा शहर में बेचने के लिए आए थे। मुंब्रा पुलिस ने जिन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, दरअसल उन दोनों आरोपियों के नाम है, पहले आरोपी का नाम है महावीर हीरा राम बिश्नोई 24 साल, दूसरे आरोपी का नाम है अनिल खेता राम बिश्नोई 22 साल। दरअसल ये दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं। अब ज़रा सोचिए, राजस्थान से मुंब्रा शहर में ये एमडी नामक नशीला पदार्थ बेचने के लिए आए थे। पुलिस को गुप्त जानकारी मिली कि ये दोनों लोग मुंब्रा के रेति बंदर गणेश घाट के नज़दीक नशीला पदार्थ बेचने के लिए आए हैं, जिसके बाद मुंब्रा पुलिस की टीम ने यहां पर घेराबंदी करके इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के पास से 152 ग्राम एमडी नशीला पदार्थ बरामद किया गया है, जिसकी कुल कीमत 4,76,000 रुपये बताई जा रही है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे ने जानकारी देते हुए बताया कि दरअसल 1 जनवरी 2024 से मुंब्रा शहर में नशा करने वाले लोग जो पकड़े गए हैं, करीब 425 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो नशा करते हुए पाए गए हैं। इसके अलावा नशा जो बेचने वाले लोग हैं, जो नशीला पदार्थ बेचते हैं मुंब्रा शहर में, करीब 21 लोगों को मुंब्रा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और अब तक कुल कार्रवाई के दौरान 1,39,05,000 रुपये के नशीले पदार्थ मुंब्रा पुलिस ने जब्त किया है। दरअसल मुंब्रा शहर में जिस तरह से नशे के कारोबार और नशा करने वालों की संख्या बढ़ रही है, पुलिस कहीं ना कहीं इन पर अब नकेल भी कस रही है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के बारे में क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। थाना पुलिस आयुक्तालय के पुलिस आयुक्त आशुतोष जी डुमरे सर, इनके और सब जो सीनियर ऑफिसर है, उनकी हमेशा ऑर्डर रहती थी कि यहाँ पे जो नशीले जो पदार्थ है उनकी बिक्री ज़्यादा होती है, उसके ऊपर प्रतिबंध करना चाहिए। उस हिसाब से जब से मैंने चार्ज लिया हूँ, तब से यहाँ पे बड़ी तादाद पे अपन ने जो नशीले पदार्थ है उनके ऊपर कार्रवाई की है। उसमें आज तक 425 लोगों को पकड़ा है, 21 जो बेचने वाले उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, और 1,39,05,000 तक का माल आज तक जब्त किया है। उसी कार्रवाई के ऑर्डर पे हमारे डीबी ब्रांच के एपीआई कोरड़े साहब, उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि रेती बंदर जो है वो ब्रिज के नीचे दो आउट ऑफ स्टेट के लोग एमडी जो है नशीला पदार्थ वो बेचने के लिए आ रहे हैं। फिर हमारे जो पुलिस इंस्पेक्टर है राजू पाचोरकर साहब, संजय दवने साहब, हमने सबने प्लानिंग किया और वहाँ पे ट्रैप लगाया। तो महावीर बिश्नोई उम्र 24 और अनिल बिश्नोई उम्र 22, इनको 152 ग्राम एमडी जो 4,76,000 उसकी कीमत होती है, इसके साथ पकड़ा गया है। और उनकी 4 तारीख तक मैजिस्ट्रेट कस्टडी है, वो मैजिस्ट्रेट कस्टडी में और आरोपी निष्पन्न हो सकते हैं, और राजस्थान तक उनकी लिंक है, वहाँ तक कोशिश करेंगे कि वहाँ जो फैक्ट्री वगैरह है वहाँ तक पहुँचने की हमारी कोशिश रहेगी। कहाँ के रहने वाले ये आरोपी हैं? राजस्थान। सर, मोडस कैसी रहती थी, किसको बेचने के लिए मुंब्रा में लाया गया था, क्या कुछ उन्होंने आपके इन्वेस्टिगेशन में किया? नहीं, अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन चालू है, पीसीआर है उनका, उसमें सब इंट्रोगेशन चालू है। उसमें जब किसको बेचने के लिए आए थे वो निष्पन्न होने के बाद उसको भी हम आरोपी बनाएंगे। आपने जो रिकॉर्ड बताया, ये कितने महीने का रिकॉर्ड है? 1 जनवरी से आज तक।